इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निम्सेट प्रैक्टिस सेट 10। इसमें भी कुछ ट्रिक्स देखेंगे हम लोग, किस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इफ कॉस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री एंड कॉस 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कॉस 3 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और नीचे cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री से cos 45 डिग्री इज इक्वल टू a टू द पावर b। a एंड b आर प्राइम नंबर, a और b प्राइम नंबर गिवन है, a b से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट ऊपर जितने दिख रहे हैं 45 दिख रहे हैं, 1 डिग्री से लेके 2 डिग्री 3 डिग्री से 45 डिग्री तक, और नीचे भी cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 45 डिग्री, नीचे भी 45 टर्म है। हर एक को एक इंडिविजुअल पहले ब्रैकेट को हम cos 1 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री। इस ब्रैकेट को हम cos 2 डिग्री से डिवाइड कर देंगे cos 2 डिग्री तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 2 डिग्री। इसी तरह से इस ब्रैकेट को cos 3 डिग्री से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 3 डिग्री। टू, इस ब्रैकेट को cos 45 डिग्री से डिवाइड कर दो। अच्छा, cos 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री, और उससे पहले उसका कंजुकेटिव टर्म जस्ट पहले वाला टर्म आएगा, दैट इज 1 प्लस tan 44 डिग्री। तो फाइनली ये मिल गया हमें, ठीक है। अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है हमें, ये याद होना चाहिए, इफ a प्लस b पाई बाई 4 है, a प्लस b पाई बाई 4 है तो 1 प्लस tan है इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू 2 आती है। दोनों साइड tan लेके भी इसको सॉल्व किया जाता है, अदरवाइज तुम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, a को 0 रख दो, b को पाई बाई 4 रख दो, तो सम पाई बाई 4 आएगा। a को 0 रखने पे ये tan 0 0 आ जाएगा, और b को पाई बाई 4 रखने पे tan पाई बाई 4 1 आ जाएगा। तो दिस इज फाइनली 2, ये फाइनली 2 आ गया। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 के इक्विवेलेंट आता है। तो अब यहां पे हम पेयरिंग कर रहे हैं, इसकी पेयरिंग 1 प्लस tan 1 डिग्री की पेयरिंग 1 प्लस tan 44 डिग्री से कर देंगे। इससे होगा ये कि 1 डिग्री और 44 डिग्री का सम 45 डिग्री आ जाएगा। ये पेयरिंग होगी 1 प्लस tan 2 डिग्री की पेयरिंग, इससे पहले वाले टर्म से कर दें 1 प्लस tan 2 डिग्री की पेयरिंग 1 प्लस tan 43 डिग्री। फिर 1 प्लस tan 3 डिग्री की पेयरिंग उससे पहले वाले से कर देंगे 1 प्लस tan 3 डिग्री, 1 प्लस tan 42 डिग्री। तो अगर इसकी काउंटिंग करें हम तो 1 डिग्री से 44 डिग्री तक पेयरिंग कर रहे हैं, तो 44 का आधा ऐसे टर्म बन जाएंगे तुम्हारे 22 टर्म्स बन जाएंगे, दीज आर 22 टर्म्स, ठीक है। तो ये 22 टर्म्स बचेंगे, लास्ट का टर्म ये बचेगा 1 प्लस tan 45 डिग्री, अच्छा जो भी ये पेयर है इसमें a प्लस b 45 आ रहा है, 1 डिग्री प्लस 44 डिग्री That is 45, 2 degree plus 43 degree, 45, 3 degree plus 42 degree, 45. तो इसका जो sum, इसका जो product आएगा 1 plus tan A into 1 plus tan B, that will be coming to be 2, ये 2 आ जाएगा, इसका product भी 2 आ जाएगा, this is also 2, this is also 2, ये पूरा 2 कितने बार आएगा, 22 times आएगा, क्योंकि इससे कितने brackets बन रहे हैं, 22 ब्रैकेट्स बन रहे हैं, और 1 प्लस
tan 45 डिग्री इटसेल्फ 1 होता है, तो लास्ट ब्रैकेट जो है वो 2 बन जाएगा। तो ये 2 कितने बार आ रहा है, 23 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 23, तो a टू द पावर b में a इज 2, b इज 23 सिंपली, और a और b दोनों ही प्राइम नंबर है और उनका सम हमसे पूछा गया है a प्लस b, तो 23 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिंपल। तो अगर हम ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लेंथी पड़ता है। ए प्लस बी अगर पाई बाई 4 है तो 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, सिंपली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, इफ A1, A2, A3, An, R in HP, then summation, ये लिखा है summation, I is equal to 1 से लेके 99 AI plus 1 divide by A1 plus A100। अच्छा, summation I पे लगा है, summation लगा है I पे, तो 1 upon A1 A100 बाहर कर लेते हैं, आई की वैल्यू यहां पे रख दो, आई की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो A1 A2 आ जाएगा, आई को 2 रखो तो A2 A3 आ जाएगा, आई को 3 रखो तो A3 A4 आ जाएगा, आई को 99 रखो तो A99 A100 आ जाएगा। इसका भी हम प्रॉपर मेथड करेंगे तो करीब 6 to 7 लाइंस लग जाती हैं। तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, इफ A1, A2, A3, An, R in HP, A1, A2, A3, An minus 1, An, R in HP, अगर ये टर्म्स HP में है तो इस तरह के रिजल्ट सारे याद होने चाहिए निम्नलिखित पॉइंट ऑफ व्यू से। तो A1, A2 का प्रोडक्ट प्लस A2, A3 प्लस A3, A4 टू an माइनस 1 an, दैट इज कमिंग टू बी n माइनस 1 a1 an। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज इसको प्रूफ करने में ही 6 to 7 लाइंस लग जाती हैं। तो क्या रिजल्ट है, इफ a1 a2 a3 an माइनस 1 an r in hp, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट देख रहे हो, a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 से लेके an माइनस 1 an तक आता है n माइनस 1 A1 An, क्या आता है N-1 A1 An, और यहां पे याद रखना है ये वाला टर्म लास्ट टर्म An। तो अगर हम यहां पे ये कंसेप्ट यूज कर लें, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस A99 A100, तो ध्यान रखना ये An है, मतलब N की वैल्यू 100 है। कुछ लोग N की वैल्यू समेशन के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, 99 रख देते हैं, n की वैल्यू 99 नहीं है, n की वैल्यू क्या है, लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स an। तो फाइनली ये आ जाएगा 1 अपॉन a1 a100 इनटू n माइनस 1 100 माइनस 1 a1 an, an क्या हो जाएगा a100, तो ये कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया 99 इज इट्स आंसर, सिंपल। तो ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इस तरह के रिजल्ट्स तुम्हें याद हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इट्स आंसर विल बी बी, इसका आंसर बी हो जाएगा 99, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये बाय द वे जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, अल्फा बीटा 0 नहीं है, एफ एन दे रखा है तुम्हें अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट में है, 3 1 प्लस एफ 1 1 प्लस एफ 2 1 प्लस एफ 1 1 प्लस एफ 2 1 प्लस एफ 3 1 प्लस एफ 2 1 प्लस एफ 3 1 प्लस एफ 4। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल लगा देते हैं, और ऐसा भी नहीं रखना है, बहुत आसान वैल्यू भी नहीं रखनी कि अल्फा बीटा 0 रख दिया, कुछ थोड़ी सी वियर्ड सी वैल्यू रखो जिससे खुद भी कॉन्फिडेंस रहे कि सही आंसर आ रहा है।
लेट से अल्फा को 2 रख दिया, बीटा को 1 रख दो, या बीटा को -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा बीटा बस 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं करना है दोनों को 1-1 रख दें, क्योंकि फिर पावर में कुछ भी करोगे वो 2 ही आएगा। तो अल्फा को हमने 2 रख दिया है और बीटा को -1 रख दिया, अल्फा 2 बीटा -1, तो fn जो बन रहा है हमारा अल्फा 2 है, बीटा जो है -1 की पावर, सॉरी अल्फा 2 है, ये n है ऊपर, 2 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n। अब यहां से हम f1 निकाल लेते हैं, f1 निकालते हैं, तो 2 की पावर 1 -1 की पावर 1, f1 1 आ गया। f2 निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो f2 5 आ गया। f3 निकाल लेते हैं, 2 का क्यूब और -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 8 -1। f4 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 4 और -1 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, f4 तक ही चाहिए, f1 चाहिए, f2 चाहिए, f3, f4। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों साइड, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो दिस इज 3, दिस इज 1 प्लस f1, f1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये 2 आ जाएगा। 1 प्लस f2, f2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 1 ऐड करने पे 6 आ जाएगा। 1 प्लस f1 2 आ जाएगा, 1 प्लस f2 f2 5 है, फिर से 6 आ गया। 1 प्लस f3 ये 8 हो जाएगा, क्योंकि f3 है 7। 1 प्लस f2 f2 कितना है 5 है, तो फिर से ये 6। 1 प्लस f3 8, 1 प्लस f4 18 हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट आ गया इज इक्वल टू, हमें चूंकि k की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे भी अल्फा को 2 रख दो, अल्फा को 2 रखते हैं, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, अल्फा 2 है, बीटा -1 है का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं के -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो आई थिंक ये 36 के आ रहा है। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को डायरेक्टली हम सॉल्व कर ले रहे हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, 3 R1 के लॉन्ग 18 इंटू 6 या 6 इंटू 18 -8 इंटू 8, फिर -2, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, 2 इंटू 18 -6 इंटू 8 प्लस 6 टाइम्स 2 इंटू 8 -6 इंटू 6। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 दैट इज 108 इंटू 8 64 होता है, ये 36 आ जाएगा, 18 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 आएगा, जहां तक कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 6 ये 16, ये माइनस 36, 8 इंटू 6 तो 108। यार कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं लेकिन तुम लोगों को यूज नहीं करना है, बिकॉज हमें एग्जाम नहीं देना है, तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, वरना बहुत सिंपल से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। 36 माइनस 48 दैट इज -12। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -20 आ जाएगा। 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 दैट इज 132 प्लस 24 और ये आएगा -120। तो 132 प्लस 24
माइनस 120 दैट इज 36, क्या आ रहा है 36 आ रहा है फाइनली, और ये 36 के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हमने कैलकुलेट करा इसकी वैल्यू, तो ये 36 के आ रही है, तो दैट इज इक्वल टू 36, डिटरमिनेंट की वैल्यू 36 आ गई, तो सिंपली के की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर यहां पे हम ये मेथड यूज नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि F4, F3 इन सब की वैल्यू निकालने में फिर बहुत टाइम लगेगा, तो इट्स आंसर इज सिंपली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है, यहां पे भी एक शॉर्टकट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन x बाई के और ln log 1 प्लस x बाई 4। तो देखो अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, इसका भी पूरा लेक्चर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है तो e टू द पावर x माइनस 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम x लिखते हैं, साइन x को भी हम x लिख सकते हैं, tan x को भी हम x लिख सकते हैं, और ln 1 प्लस x को भी हम x लिख सकते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन तभी करना है जब इस तरह के फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, एड सब्ट्रैक्ट में ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसकी डिटेल में हम बात कर चुके हैं पहले भी। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहां पे देख रहे हो इस तरह के फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन x बाई के ln 1 प्लस x बाई 4। तो हमें पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, एक्सटेंड्स टू 0 में ही ये काम किया जा सकता है, e टू द पावर x माइनस 1 को अप्रोक्सीमेटली x लिख सकते हो, ये सीरीज से प्रूव भी करा जा सकता है, x अगर बहुत छोटा है साइन x को अप्रोक्सीमेटली x लिख सकते हैं, टैन x को अप्रोक्सीमेटली x लिख सकते हैं, ln 1 प्लस x को अप्रोक्सीमेटली x लिख सकते हैं, और ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही करना है, एड सब्ट्रैक्ट में नहीं करना है। तो e टू द पावर x माइनस 1 को x लिख दो तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। नीचे ये क्या आ जाएगा, दिस इज x बाई के, ln 1 प्लस x बाई 4 को ln 1 प्लस x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ln 1 प्लस x बाई 4 को x बाई 4 लिख सकते हैं, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 के आ गया सिंपली, और ये तुम्हें 12 दे रखा है, तो k की वैल्यू सिंपली यहां से 3 आ गई। तो इस तरह के भी काफी सारे रिजल्ट्स होते हैं लिमिट्स में, जिससे हम इस तरह क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स आंसर इज 4। कंसेप्ट इसका अलग है, कंसेप्ट की बात हम इस पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है मल्टीनोमियल थ्योरम का, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब की पावर 10। अगर दो टर्म होते हैं तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, अगर यहां पे चार टर्म है तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से सुनना। अगर ये मल्टीनोमियल मतलब कई सारे टर्म्स हैं, एंड इफ देयर इज सिंगल वेरिएबल, यहां पे पूरा सिंगल वेरिएबल x चल रहा है, सिंगल वेरिएबल है जिसका नाम यहां पे x है, सपोज कर लो एक सिंगल वेरिएबल है, टर्म हम इस तरह से लिख रहे हैं लेकिन है वो सिंगल वेरिएबल, हर जगह x आ रहा है, x की डिफरेंट पावर आएंगी और x के डिफरेंट कोफिशिएंट आएंगे x r, की पावर n, तो हियर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स आर आर माइनस वन
टाइम्स एन प्लस वन, मतलब ये टोटल जितने टर्म्स हैं आर टर्म्स हैं और पावर जो है वो एन है और प्लस वन। तो जैसे यहां पे अगर काउंट करें तो वन टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यूब, ये टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं फोर। तो आर की वैल्यू यहां फोर है, एन कितना है टेन है, तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे आर माइनस वन इंटू एन प्लस वन, तो ये थर्टी प्लस वन दैट इज 31, कितना आ गया 31। इट्स आंसर इज सिंपली बी। तो ये बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन को, अदरवाइज ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि x की पावर बार बार इसमें रिपीट करती है तो काउंट करने में काफी टाइम लगता है। तो इस तरह के फॉर्मूले भी तुम्हें याद होने चाहिए अगर सिंगल वेरिएबल है। अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये सारे ऑल आर डिफरेंट, वेरिएबल या नेम्स बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड सब डिफरेंट नेम्स हैं, तो हियर टोटल नंबर ऑफ डेसिमिलर टर्म्स आते थे एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर सारे वेरिएबल डिफरेंट है और सारे वेरिएबल अगर सेम है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, इसको याद कर लो अभी। टोटल नंबर ऑफ डेसिमिलर टर्म्स आर आर माइनस वन एन टाइम्स प्लस वन, सिंपल, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चंस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एपी का है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज सी एन स्क्वायर, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज सी एन स्क्वायर, then the sum of squares of these n terms, मतलब इसका अगर तुम nth term tn मान लो तो उसके terms का square करके उसका हमें sum बताना है। तो उस तरह के question करे होंगे progression में, तो उसका हम shortcut देख रहे हैं, concept की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर कभी किसी भी series का sn दिया जाए sum of n terms, तो sn को अगर हम एस एन माइनस वन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दैट गिव्स इट्स जनरल टर्म टी एन। वो क्या आता है, जनरल टर्म टी एन आता है। अच्छा, एस एन क्या है, सी एन स्क्वायर, और एस एन माइनस वन क्या होगा, सी एन माइनस वन का स्क्वायर, सी कॉमन ले लो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लगा देंगे यहाँ पे तो एन और इसको एड करने पे टू एन माइनस वन आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे वन आ जाएगा। तो इट्स जनरल टर्म इज सी टाइम्स टू एन माइनस वन, तो एस एन को एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करने पे टी एन आता है, जनरल टर्म आता है ऑफ एनी सीरीज, कोई जरूरी नहीं है एपी हो, वो कोई भी सीरीज हो सकती है, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, कोई भी प्रोग्रेशन हो सकती है, ठीक है। अब उसके स्क्वायर्स का सम, अब जो भी टर्म आ रहे हैं ये टी एन आ रहा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, टी एन का स्क्वायर That is coming to be c square 2n minus 1, ठीक है। अच्छा, सम क्या होता है, सम होता है n को 1 रखें, n को 2 रखें। अच्छा, n को अगर हम सिर्फ 1 ही रख दें तो एक ही टर्म आएगा और वही टर्म उसका सम हो जाएगा, तो n को 1 रखो जरा, n को यहां पे 1 रखेंगे तो s1 आएगा, एक टर्म का सम, और n को 1 रखा है तो यही sn हो गया जो रिक्वायर्ड था, एन को वन रखेंगे वन बन जाएगा, तो बच क्या रहा है, सी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब यही एन की वैल्यू वन हम ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, जरा एन को वन रखो, ये बन जाएगा तुम्हारा फोर एन स्क्वायर माइनस वन, मतलब ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। यहां पे एन को वन रखो, एन को यहां वन रखेंगे तो आएगा एन वन फाइव सी स्क्वायर बाय थ्री, एन को यहां वन रख दो तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। एन को यहां वन रख दो तो फाइव सी स्क्वायर बाई सिक्स आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज सी, सिंपल, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x। इसको भी प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा, और जितनी भी पावर्स इसकी बढ़ाते जाएंगे ये और लेंदी होता जाता है। तो यहां पे हम गामा फंक्शन यूज करते हैं और गामा फंक्शन का भी एक एक्सटेंशन होता है, उसका एक्सटेंशन होता है वॉलीज थ्योरम। अगर डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा तो गामा फंक्शन देखा होगा, उसका एक्सटेंशन वॉलीज थ्योरम होता है। क्या होता है वॉलीज थ्योरम, ध्यान से देखो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे। 0 से π/2 साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, गामा फंक्शन जो एप्लीकेबल है एम और एन की डेसिमल वाली वैल्यू के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन वालीज थ्योरम एम और एन नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहां पे प्रॉपर्टी यूज कर लें, 0 से π/2 डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा, 0 से a है तो x को रिप्लेस कर सकते हैं a-x से, तो इसको π/2 -x से रिप्लेस कर दो, और कॉस में भी जो आ रहा है उसको भी π/2 -x से रिप्लेस कर दें, तो साइन π/2 -x कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा। तो एम और एन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी की पावर भी कुछ भी हो, तो एम और एन बेसिकली कहने का मतलब यह है जो एम था वो एन हो गया, जो एन था वो एम हो गया इस केस में। तो ये इंटीग्रल सेम है, 0 से π/2 साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, इस सेम है 0 से π/2 कॉस की पावर एम एक्स साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। तो वॉलीज थ्योरम क्या होती है, ध्यान से देखो, यहां पे पावर एम है तो एम से स्टार्ट करो, एम या एन कुछ भी ले सकते हो, एम माइनस वन, एम से ऑड नंबर घटाते जाओ, एम माइनस थ्री, एम माइनस फाइव, और ऐसे घटाना है कि लास्ट में जीरो और नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। लेट से एम है 7, तो बस 5 तक ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट में 2 आ जाएगा। लेट से एम है 6, तो 5 तक ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में 1 आ सकता है। तो डिपेंड करेगा कि एम इवन है कि एम ऑड है, यही चीज एन के साथ करनी है, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, लास्ट में 0 और नेगेटिव नंबर नहीं लाने हैं, तो लास्ट में या तो 2 आएगा या 1 आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि n इवन है कि n ऑड है। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दो m प्लस n, और ऊपर हम इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे हम ऑड, सॉरी, ऊपर हम ऑड नंबर 1, 3, 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इवन नंबर, m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4, और ये भी डिपेंड करेगा, 0 और 1 नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखने हैं, तो 0 या तो 2 आएगा या 1 आएगा, m प्लस n इवन है या ऑड है इस पे डिपेंड करेगा। और साथ में एक कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई करते हैं, लेट से वो कांस्टेंट है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, इफ m एंड n बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है, बोथ आर इवन, तो लैम्डा की वैल्यू π/2 आ जाती है, अदरवाइज मतलब दोनों ऑड हो या एक इवन एक ऑड हो, अदरवाइज लैम्डा 1 आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1, सिंपल, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल में, फिर उसके बाद इसको देख लेंगे। फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं हम, 0 से π/2 साइन टू द पावर 8x
कॉस्ट टू द पावर 9x, जितनी पावर बढ़ती जाएंगी अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव में कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो एम की वैल्यू है 8 और एन की वैल्यू है 9, एक इवन एक ऑड। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि लैम्डा 1 आएगा, एम में 1 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एम में 1 सब्ट्रैक्ट करा 7, फिर 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करा 5, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करा 3, 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट में ऑड नंबर 1 आ जाएगा, इनटू अब 9 में ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 9 में जब हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि अब इसके बाद 0 या नेगेटिव इंटीजर आने लग जाते हैं, 2 और 1 पे रुक जाना है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 1 है ही क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, दोनों ऑड होंगे तो भी 1, एक इवन एक ऑड होगा तो भी 1, और अगर दोनों इवन होंगे तो पाई बाई 2। अब दोनों को ऐड कर दें तो ये आ रहा है 17। क्या आ रहा है? 17। तो पहले 17 लिख लो और उससे अब 2 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करो 7, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करो 5, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करो 3, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करो 1। ठीक है, इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो अब आई थिंक जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो और बाकी कैलकुलेट करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। अब गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या है, एम है 3, एन है 4। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या आएगा वालीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, एम माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, 3 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि 3 सब्ट्रैक्ट करोगे ऑड ही नंबर सब्ट्रैक्ट करा जाता है 0 हो जाएगा। अब इससे भी 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो एक बार यहां 7 लिख दो, अब इससे 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 5, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करो 3, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करो 1। अच्छा, एक ऑड है एक इवन है तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो ये क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 3 और 1 कैंसिल कर दो, दिस इज 2/35। सिंपल। तो इस तरह के फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो काफी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं। तो इट्स आंसर इज ए, 2/35। सिंपल। तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ बतानी है। अगर सर्कल अच्छे से पढ़ा है और इसके मेथड को जानते हो, अगर हम इक्वेशन के मेथड से करेंगे तो ये काफी लेंथी हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो सेंटर इसका आता है 1,1 माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, रेडियस आती है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो ये 3 आ जाएगी रेडियस। सो हम कैपिटल R लिख ले रहे हैं अभी फिलहाल, रेडियस कैपिटल R। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, कोई सर्कल अगर है उस पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं, ये टैंजेंट जहां पे सर्कल को टच करती हैं, सपोज कर लो ए पे और बी पे, उसको अगर हम मिला दें
तो दिस इज क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसको निकालने में काफी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अगर ज्योमेट्री यूज करोगे तो फिर भी रिलेटिवली ईजी हो जाएगा, ज्योमेट्री में भी 7-8 स्टेप्स लग जाते हैं। तो यहां पे सीधे सीधे याद कर लो, लेंथ ऑफ क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट को शॉर्ट फॉर्म में सीओसी लिखते हैं, दैट इज ट्वाइस एल आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या होता है, आर तो रेडियस हो गई सर्कल की, एल होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, एल एल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आती है पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये अंडर रूट एस वन आ जाएगा, अंडर रूट एस वन लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, पॉइंट उठा के इस सर्कल पे रख दिया जाता है, 16 प्लस 16, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 8 माइनस 7, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 7 9, 9 का अंडर रूट 3, रेडियस भी 3 आ रही है, तो सिंपली L 3 हो गया, रेडियस भी 3 हो गई, अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर, L स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ सीओसी आ रहा है 18 डिवाइड बाय 9 प्लस 9 रूट 18, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 मतलब 3 रूट 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 बाय रूट 2, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 हो जाएगा, तो दिस इज फाइनली 3 रूट टू। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, सॉरी लेंथ ऑफ क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, 3 रूट टू। तो ये फॉर्मूला काफी आसान बना देगा क्वेश्चन को, और निम्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पता होना ही चाहिए, इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, और यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में, खासतौर से निम्सेट में जहां पे टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स, हर एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 1 मिनट, और 120 मिनट्स पूरे भी नहीं मिल पाते हैं। इफ द रूट्स ऑफ ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी। तो यहां पे भी एक ट्रिक है, अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट सिमेट्री में हो और बीच में माइनस साइन, कोफिशिएंट देख रहे हो सिमेट्री में आ रहे हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और बीच में माइनस साइन भी आ रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल that x is equal to 1 is its 1 root. x is equal to 1 इसका एक रूट हो सकता है, होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या ट्रिक है, अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट सिमेट्री में हो, a माइनस बी, c माइनस a, बी माइनस सी, तो जरूर चेक कर लो, हो सकता है पीछे माइनस साइन हो, तो हो सकता है उसका एक रूट वन आए, तो एक्स को वन रख के चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे वन गायब हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका एक रूट क्या हो जाएगा, वन, और क्या बोला गया है, इसके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसके दोनों ही रूट वन है, और दोनों ही रूट्स वन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक में सबने पढ़ा होगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, means ABC R in AP, ABC R in AP। तो ये ट्रिक भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है।
इसको अगर पूरा हम d इज इक्वल टू जीरो से सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओमेगा यहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन द वैल्यू ऑफ द सीरीज 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 टाइम्स 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर 3 टाइम्स 4 माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर n माइनस 1 टाइम्स n माइनस ओमेगा n माइनस ओमेगा स्क्वायर। जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ये क्वेश्चन जरूर करा होगा, और ये काफी लेंदी होता है, इसका जनरल टर्म लिखना होता है, ये nth टर्म हो गया, और फिर इसका समेशन लेना होता है, तो लेंथ अननेसेसरी बढ़ जाती है। तो सिंपली देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन को रख दो 2, और जब भी हिट एंड ट्रायल करते हैं तो ऑप्शन में भी पहले रख के देख लेते हैं। एन को 2 रखो जरा यहाँ पे 2, ये 1, तो ये 2 हो गया, इन 2 रखेंगे 4 और यहां पे 6 10 14 बाय 4 ये आ जाएगा तुम्हारा 7। इस तरह से सारे ऑप्शन में रख रख के देख लोगे, लाइक यहां पे भी रख के देख लेते हो, एन को 2 तो ये 2 आ गया, ये ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं 14 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 तो ये आंसर 14 आ रहा है। इसमें रख के देख लेते हैं 2 3 6 इंटू 14 डिवाइड बाय 4, ये भी 6 इंटू 14 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एन को अगर हम 2 रख देंगे, जनरल टर्म में ही 2 रखो, तो एन को 2 रखोगे तो सिर्फ दो ही टर्म आएंगे, और इवन एक ही टर्म आएगा। एन को यहाँ 2 रख दो, एक ही टर्म आ रहा है, दैट इज एन माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब होता है 1, दिस इज 1, तो 1 प्लस 4 5 हो गया, माइनस 2 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो वी शुड नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 1। तो यहां पे जब हम माइनस 1 रखेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो इट्स आंसर इज 7। तो देखो जरा 7 कहां पे आ रहा है, ए ऑप्शन में 7 आ रहा है, तो इट्स आंसर इज सिंपली ए। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है डिफरेंट क्वेश्चंस की। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिससे डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अलोंग विथ ट्रिक्स हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे निमसेट मॉक के, और उनकी ट्रिक्स देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है।